नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और आज खबर दोपहर का ये बुलेटिन लेकर बढ़ते लाइन के बाद खबरों की ओर, दिल्ली की बड़ी खबर से कराते आपको रूबरू, जहां पर इस वक्त एक बड़ी खबर ये कि झारखंड बीजेपी के सभी सांसदों की बैठक हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ पूर्व प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक कर रहे हैं। बैठक में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहेंगे। झारखंड की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो तमाम सांसदों के साथ ही जो प्रभारी हैं या विधायक दल के नेता हैं, वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे और ओम माथुर यहां पर बैठक करेंगे। पूर्व प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक करने वाले। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिस बात को लेकर मटका लगा रहे थे कि आखिर बाबूलाल मरांडी दिल्ली क्यों गए हैं या रघुवर दास दिल्ली क्यों गए हैं। तो देखिए, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त, यहां पर झारखंड की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, रणनीति पर चर्चा होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, आप अपने आप में इस खबर को मानिए कि एक ओर जहां झारखंड कांग्रेस के तमाम नेता वहां पर मौजूद दिल्ली में, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की बैठक भी यहां पर हो रही है। तो ये बड़ी खबर अपने आप में। और अमर सिंह आवाज सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमर, निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर अपने आप में। एक और तमाम कांग्रेसी विधायक झारखंड के दिल्ली में है राहुल गांधी से मुलाकात के लिए, तमाम एजेंडों को लेकर। वहीं दूसरी ओर देखिए, बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक, और जिस बात को लेकर इंतजार हम कर रहे थे कि किस तरीके से बाबूलाल मरांडी दिल्ली गए हैं, राहुल गए हुए हैं, आखिर करेंगे क्या। तो देखिए, सामने आ गया मामला, सामने आ गया, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे अब इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, आज ओम माथुर सभी लोगों को बुलाया गया है, सभी एमपी सभी सांसद को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को, और पार्लियामेंट के अंदर ये मीटिंग चल रही है। बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, उनको भी बुलाया गया है। मकसद भी बिल्कुल साफ है, जो सरकार की कारगुजारिश है, जिस तरह से भाषाई विवाद है और जिस तरह से वहां पर चल रहा है, उसको लेकर के एक चर्चा होनी है और इस पर एक रणनीति बनानी है। कहा यह जा रहा है कि कोई भी दल, अगर आप भाषा विवाद की अगर बात आप करें, तो ना तो कांग्रेस स्पष्ट कर पा रही है और ना ही बीजेपी स्पष्ट कर रही है। व्यक्तिगत तौर पर सभी लोग कुछ न कुछ बयान तो दे रहे हैं, लेकिन पार्टी लाइन का कुछ सामने नहीं आ रहा है। तो इस तरह हो सकता है कि चर्चाएं हो और इसको लेकर के एक मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में यह तय होगा कि पार्टी को आखिर क्या लाइन लेनी है, क्या किस तरह से इसे उसका सामना करना है। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होता है, तो वो आप देख सकते हैं कि इससे फायदा और नुकसान की जब बात होगी, तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, इस चीज को लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी साफ हम करवाना चाहेंगे आपसे, ये जो लोकसभा राज्यसभा सांसदों की बात हो रही है, झारखंड के लोकसभा राज्यसभा सांसद होंगे जो ओम माथुर के साथ बैठेंगे या तमाम लोकसभा सांसद होंगे? झारखंड के लोकसभा और राज्यसभा के तमाम जो है नेता यहाँ पे हैं, और बाबूलाल मरांडी को भी बुलाया गया, इसलिए क्योंकि वो प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं और वो चाहते हैं कि ये तय हो जाए कि आखिर क्या करना क्या है, क्या उनकी रणनीति क्या होगी, और इस रणनीति पर ही चर्चा होनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमर, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो नजर बना रहे कि इस बैठक से निकल करके आता है ओम माथुर, पूर्व प्रभारी रह चुके झारखंड में बीजेपी, और उनकी अध्यक्षता में, उनकी मौजूदगी में जो झारखंड में बीजेपी के लोकसभा राज्यसभा सांसद हैं और साथ में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, उन सबकी बैठक हो रही है और तय हो रहा है, एजेंडे तय हो रहे हैं कि आखिर करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे विवाद इस दौरान राज्य में गहराए हुए और उसमें किस तरीके से बीजेपी की स्थिति रहनी चाहिए, बीजेपी का लीड कैसे लेगी उसमें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।